भरथाना नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत मोती मंदिर लंगूर की मठिया के निकट के वासिंदे शुक्रवार की सुबह भरथाना पालिका प्रशासन में विद्युत विभाग की अनदेखी को लेकर आकर्षित होकर घरों से निकल सड़क पर उतर आए और हाय तोबा के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों की माने तो उनका विरोध सबसे बड़ा भरथाना नगर पालिका प्रशासन से है। पीड़ितों ने बताया कि उनके घरों के सामने हमेशा गंदे पानी का भराव रहता है। पालिका प्रशासन ने अभी तक गली कच्ची होने व गली नालियों न होने के कारण जल भराव की समस्या के चलते डेंगू मलेरिया आदि संक्रामक बीमारियों की चपेट में बने रहते हैं। जल निकासी का आज तक पालिका प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया है, जबकि बिना सुविधाओं के पालिका प्रशासन उनसे विभिन्न प्रकार के कर आदि वसूलने पर हावी है। यहाँ के बाशिंदों ने ये भी बताया कि यहाँ हाल विद्युत विभाग द्वारा लगातार बिजली बिल जमा करने आदि चेकिंग के नाम पर यहाँ के बाशिंदों को शोषण किया जाता है, जबकि सभी घरों में विद्युत कनेक्शन के साथ मीटर भी लगे हुए हैं, लेकिन विद्युत विभाग ने आज तक उनकी गली में विद्युत पोल तक स्थापित नहीं किया है। मजबूर विद्युत उपभोक्ता को लंबी दूर से केवल खींचकर बिजली का उपयोग करना पड़ता है। यहाँ के आक्रोशित बाशिंदों ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उन्हें भी पालिकाओं की सुविधा को उपलब्ध कराए जाने की मांग की। गली की समस्या को लेकर मोहल्ले के वासियों ने यहाँ पर नाराजगी व्यक्त की है। और यहाँ हम आपको बता दें, जनपद इटावा के भरथाना क्षेत्र में मोती मंदिर लंगूर की मटिया के पास में ये जो नगर के वासी हैं यानी कि मोहल्ले के वासी हैं, ये बहुत ही नाराज़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनकी गली की समस्या है, हम आपको इनसे बात करवाते हैं, देखिए इनका क्या कुछ कहना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए सड़क पर जल भराव भी है और काफ़ी लोग यहाँ पर नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। देखिए बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे। माता जी आपका क्या नाम है? क्या समस्या है यहाँ पे आपकी गली की? तो ये पानी कहाँ से आता है यहाँ पे? पानी नाली है नहीं तो पानी तो आया घरों का पानी। अच्छा, घरों से पानी निकल के आ रहा है, यहाँ पे नाली नहीं बनी है? नहीं बनी। तो आपको यहाँ पे कितने दिन हो गए रहते हुए? हमें हो गए 3 साल, 4 है जी बैसाख में। तो इस समस्या को लेकर आपके क्षेत्रीय जो अधिकारी हैं या जो चेयरमैन हैं, आपने शिकायत नहीं की उनसे? हलवाई तो करी, सब तक करी हमने चेयरमैन थे सब। उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? लेकिन बन नहीं रही है। देखिए कुछ और लोग हैं यहाँ पे, देखिए अंकल जी भी खड़े हैं साथ में। क्या नाम है अंकल जी आपका? रामवीर यादव। ये क्या समस्या है यहाँ पे? सड़क पे जल भराव दिखाई दे रहा है, आप लोग काफी नाराज हैं? काफी नाराज है। कई बार चेयरमैन साहब हाकिम सिंह से मिले भरथाना जी, और उन्होंने आश्वासन के अलावा अभी तक नाली का कोई प्रोग्राम नहीं किया। अच्छा, कोई समाधान नहीं हो रहा आपका? बिल्कुल नहीं, 10 बार कम से कम मिले उनसे, अब निकलना मुश्किल हो रहा। देखो पानी कितना भरा है। हाँ वो देख रहे हैं, अभी देखिए काफी जल भराव है सड़क पे और यहाँ पे नालियां भी नहीं बनी है, तो इस कारण यहाँ पे जल भराव होता है। नाली नहीं, आश्वासन के अलावा कोई उन्हें कह देते कि बजट पास नहीं है, जबकि गाड़ियों के लिए बजट पास करा रही वो बैठे, अन्य काम उनके हो रहे और नालियों के लिए बजट नहीं है कहीं, अब हम लोग निकलना मुश्किल हो रहा हमारा यहाँ जी। वो देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए सड़कों पे पानी भरा हुआ है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे नालियां नहीं दिखाई दे रही है कहीं पे भी, ये लोग काफी नाराज दिख रहे हैं। और भी कोई समस्या हुआ है? निकलने कहाँ से जाए जी, यहाँ से नहीं निकल पा रहे आप?